चलो बेटा आज हम पढ़ रहे हैं एनपीओ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैं एनपीओ के बारे में बताऊंगा, थ्योरी वाला पार्ट बताऊंगा, लेकिन जो एनपीओ में सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो होता है सब्सक्रिप्शन। तो अपन सब्सक्रिप्शन के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या। सब्सक्रिप्शन मतलब आपको कोई भी सर्विस लेनी है तब वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको उसकी फीस भरनी पड़ती है। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है फीस। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि सर आज अगर मेरी कोचिंग चलती है, अगर मेरी ही कोचिंग चलती है तो क्या मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं? यस आई एम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे कमा नहीं रहा हूं, मैं कमा रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं फीस कमा रहा हूं, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं खरीदी बेची नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कमा रहा हूं बेटा? फीस कमा रहा हूं, मेरी इनकम कमा रहा हूं। तो बेटा वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा सबसे पहले बात करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ फीस कैसे होता है। सर जब आपसे एग्जांपल लूं कि मेरे पास इस बार कोचिंग के अगर मैं बोलूं 250 स्टूडेंट्स थे, अगर मेरे पास कोचिंग के बेटा कितने स्टूडेंट थे? 250 स्टूडेंट्स थे, और 250 स्टूडेंट्स से पर बच्चे से मैं 1000 रुपए फीस लेता था। कितने रुपए फीस बेटा मेरी पर स्टूडेंट से? कितनी फीस है? लग से साल भर की 1000। अब मैं आपको बताऊं इस साल मुझे पैसा कितना कितना है। अगर बोलो इस साल जो कुल मिला के 248,000 है, उसमें से बेटा 5,000 मेरे को आए हैं लाइक से प्रीवियस ईयर, इसके प्रीवियस ईयर के। इस साल के मेरे पास आए बेटा 240,000, और मेरे पास नेक्स्ट ईयर के आए हैं बेटा मेरे पास लेट से मान लेना 3,000। तो मेरे पास ये पास नेक्स्ट ईयर के आए हैं, ये मेरे पास करंट ईयर के आए हैं, और 5,000 मेरे पास प्रीवियस ईयर के आए हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहे तो बेटा इस साल की मेरी इनकम कितनी हुई? बेटा हाथ में नगद गल्ले में कितना रुपया है? 2,48,000। मतलब आपके हाथ में पैसा कितना है? 2,48,000। तो क्या बेटा मेरी 2,48,000 इनकम है? द आंसर इज नो। बट 2,48,000 तो मेरे पास पैसा आया है एज पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कांसेप्ट या एज पर अक्रूवल कांसेप्ट। आपके यहां जितना पैसा आता है वो आपकी इनकम नहीं होती, जो आपने इस साल की सर्विसेज के अगेंस्ट कमाया है वो आपकी इनकम होती है। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो इस साल अगर मैंने 250 बच्चों को पढ़ाया तो 250 × 1000 इसका मतलब क्या? 2,50,000 मेरी इनकम होना चाहिए। तो सर इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करोगे? तो बड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करता है और कौन सी चीज कहां जाती है इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। बड़ा बोर्ड पे देखना, सबसे ज्यादा बाय सब्सक्रिप्शन ये होती इनकम साइड, ये होती कौन साइड? एक्सपेंडिचर साइड। By subscription received, इस साल मुझे पूरा पैसा कितना है नगद में कितना है? 2,48,000 पैसा आया कितना बेटा? 2,48,000। अब बेटा इस साल के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी फीस बनती तो है पर आई नहीं है, उसको हम बोलते हैं बेटा outstanding subscription at end। फीस बनती तो है पर मिली नहीं है, तो उसको बोलते हैं बेटा outstanding subscription at end। मतलब जिन बच्चों की फीस आना बाकी है पर अभी तक मिली नहीं। आंसर ये आप कैसे लगाओगे? बेटा इस साल की फीस बनती कितनी थी अपनी? 2,50,000। सब बच्चों से फीस बनती कितनी थी अपनी? 2,50,000। बेटा इस साल के लिए कितनी आई है बेटा अपने पास? 2,40,000। तो बेटा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने से पढ़ा है, उनकी फीस बनती तो है पर अभी तक आई नहीं है। क्या उन्होंने पढ़ लिया? बट उन्होंने पढ़ तो लिया है तो उनकी फीस क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बनती तो है पर मिली नहीं है। और अगर बेटा अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एक बेटा अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, एक अपने पास क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। अगर मैं देखो बोलूं ये अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, और अगर मैं देखो बोलूं ये मेरे पास क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। मेरे पास ऊपर क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट, और मेरे नीचे क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब क्या? लोगों से पैसा लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग पैसा आना बाकी है। तो बताओ ये मेरा एसेट होगा कि लायबिलिटी? देना आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी नहीं होती, आउटस्टैंडिंग में पे करना है तो क्या है? लायबिलिटी। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग पे करना है कि आउटस्टैंडिंग आना बाकी है? अगर आउटस्टैंडिंग बेटा आना बाकी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मेरे एसेट साइड पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मतलब ये मेरे एक प्रकार से मेरे क्या हो गया बेटा? डेटर्स। क्या हो गए मेरे पास? डेटर्स। कितने हो गए बेटा? 10,000 outstanding subscription at end। कितना हो बेटा अपने पास? 10,000। तो मैं इसको यहां पे ऐड कर दूंगा 2,48,000 बेटा प्लस कितना हो जाएगा? 10,000। अच्छा बेटा एक चीज और होती है, ऐसा भी हो सकता है जो पिछले साल ही कुछ बकाया पैसा जो इस साल आए। अब अगर मैं तुमको इस बार बताऊं कि जो 5,000 रुपए आए वो इस साल के बच्चों से आए कि पिछले साल के बच्चों से आए? अगर पिछले साल के बच्चों से आए 5,000 तो क्या वो मेरी इस साल की इनकम है कि पिछले साल की इनकम है?
बट ऑब्वियसली बात है बेटा वो पिछले साल की इनकम है तो उसको इस साल की इनकम में ऐड करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस 5000 को बेटा दिल से बता उसको इस साल की इनकम में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द आंसर इज नो, ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको उन बच्चों को पढ़ाया कब था, पिछले साल उनको सर्विस कब दी थी, पिछले साल। तो इसका मतलब वो इस साल की फीस है कि पिछले साल की फीस है, वो पिछले साल की फीस है। लेकिन क्योंकि अपन ने पूरा 248,000 लिख के रखा है तो अपन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब जो पिछले साल के बकाया है उसको कर देंगे बेटा माइनस। तो बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना बेटा तुम्हारे पास 5000, माइनस कितना 5000। अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है? अब अगर मैं देखो बोलूं मेरे पास प्रीपेड एट बिगिनिंग के बारे में समझाऊंगा, कुछ लोगों ने अगर मैं देखो बोलूं कुछ लोगों ने साल के स्टार्टिंग में ही, तुमने साल के स्टार्टिंग मतलब साल शुरू होने के पहले ही मुझे एडवांस दिया होता इस साल के लिए तो क्या उनकी फीस आनी चाहिए? हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में अपना एडवांस एट बिगिनिंग नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एडवांस एट बिगिनिंग देखेंगे। तो अब तुम बेटा तो एडवांस एट बिगिनिंग का या प्रीपेड एट बिगिनिंग का मतलब क्या है? जैसे मैं तुमको बोलूं मेरी कोचिंग शुरू होगी 1 अप्रैल सब लाइन से 2019 से, सेशन है 2020 तक का। अब किसी बच्चे ने वो फरवरी 2019 में ही पैसे दिए, अब अगर किसी बच्चे ने मुझे फरवरी 2019 से पैसा दिया तो मेरा साल शुरू कब हो रहा है? अप्रैल में। तो फीस मेरे पास अप्रैल में आएगी फरवरी में? फरवरी में। किसके लिए आई? 2019 के लिए आई। तो मुझे एक बात बता, ये मेरा क्या हो गया, साल स्टार्ट होने के पहले ही पैसा आ गया, साल स्टार्ट होने के पहले पैसा आ गया। तो जब मैं उस साल की अकाउंटिंग करूंगा तो उसमें ये पैसा क्या हो जाएगा, ऐड। इस साल में ऐड नहीं होगा, इस साल में ऐड नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा। अब वही बात करूं तो प्रीपेड एट बिगिनिंग बेटा क्या होता है, ऐड होता है, क्या होता है, ऐड। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना बेटा अपने पास 5000। बेटा हाथों हाथ चीजें बैलेंस शीट में भी पोस्ट करते रहने चाहिए। अब अगली चीज देख, प्रीपेड एट एंड सेम वैसे। अब मुझे लगा मेरा ये साल खत्म होने वाला है, लेट्स से ये साल अभी मैं बोलूं जनवरी चल रहा है, कुछ बच्चे मेरे पास आए सर आप अगले साल की फीस भी ले लो, तो मैं बोलूं इस साल के फरवरी में, अगर मैं बात करूं मैं फरवरी 2020 की बात करूं और सेशन हमारा चलने वाला है अप्रैल 2020 से, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। अब किसी ने मुझे सेशन स्टार्ट होने के पहले ही, किसी ने मुझे अगर सेशन स्टार्ट होने के पहले ही सर अगले साल की फीस लो 20000, तो 5 बच्चों ने मुझे लाख रुपए भर दिए, तो मुझे बताओ उन 5 बच्चों ने पैसे तो भर दिए, पैसे आ तो गए, लेकिन क्या वो मेरी इस साल की इनकम है कि मेरे अगले साल की इनकम है? बताओ ऐसी बात है, वो अगले साल की इनकम है तो उस साल की इनकम में ऐड नहीं होगा। इसलिए बच्चे को भी समझना चाहिए कि बेटा जो अगला ही नेक्स्ट ईयर का जो भी पैसा दिया है हमेशा ही क्या रहेगा, प्रीपेड एंड। नेक्स्ट ईयर का जो भी पैसा दिया वो हमेशा क्या रहेगा, प्रीपेड एंड, और वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब तू बहुत ढंग से देख टोटल, टोटल देख के तो बड़ा मजा आएगा। 248,000 में 10,000 प्लस करें 258, माइनस कितना 8, नेट कितना आ गया 2,50,000। बेटा इस साल की फीस कमाई भी कितनी थी बेटा अपने 2,50,000 और आ भी कितनी गई 2,50,000। बेटा प्रीपेड अपने लिए क्या होता है, लायबिलिटी। किसी ने मेरे को अगले साल की फीस अगर अभी दे दी तो मेरे लिए एसेट है कि मेरे लिए लायबिलिटी है। बेटा लायबिलिटी है उसको पढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रीपेड एट एंड, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। बेटा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना बेटा अपने पास 3,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। अब अगर मैं लायबिलिटी साइड ही ले लूं तो बेटा ये देखना, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ये लायबिलिटी साइड पर है। तो सर ओवरऑल आपने क्या समझा, पहले बात एक बात सुनना बेटा, यहां पे क्या था बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस, बस एक बात याद कर ले बेटा कि आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब साल के एंड में जो फीस बकाया है, जो लेना बाकी है, जो लोगों ने पढ़ लिया है, जिसकी फीस नहीं भरी है, वो लेना बाकी है तो क्या होगी प्लस। तो सर हम एक बार सोचें, अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड अगर प्लस होगा तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा, माइनस। अच्छा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा माइनस, तो प्रीपेड एट बिगिनिंग क्या होगा प्लस, और फिर प्रीपेड एट बिगिनिंग अगर प्लस होगा तो फिर प्रीपेड एंड क्या होगा माइनस। फिर सुन ले एक ही बात दिमाग में सेट कर लेना, आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता है प्लस, अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होगा प्लस तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा माइनस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग अगर माइनस होगा तो प्रीपेड एट बिगिनिंग क्या होगा प्लस, प्रीपेड एट बिगिनिंग अगर प्लस होगा तो प्रीपेड एट एंड क्या होगा अपने पास माइनस। बेटा अब सुन ये चारों चीजें बैलेंस शीट भी जाती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब लेना बाकी है तो एंड वाला सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाला प्रीपेड क्लोजिंग में, बिगनिंग वाला प्रीपेड ओपनिंग में। इसी के साथ बेटा ऐसा ही कुछ माहौल बनता है, ऐसा ही कुछ माहौल बनता है इसका, स्टेशनरी का। लेट्स से मेरी कोचिंग है,
अगर मेरी ही कोचिंग है और मैं स्टेशनरी यूज कर रहा हूं, तो लेट्स से अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इस बार स्टेशनरी के लिए पे करा साल भर का 42,000. लेट्स से जितना आपने अमाउंट पे करा स्टेशनरी का, क्या होता है वो खर्चा? नहीं यार बेटा, हो सकता है कुछ फोटोकॉपी वाला को देना बकाया हो. Creators at end का मतलब जिसने इंसान का अपने स्टेशनरी मंगवा ली, पेंसिल्स, पेंस, ब्लस्टर मंगवा लिए, लेकिन उसको अभी तक पे नहीं करा है. तो अभी मेरे को फोटोकॉपी वाले का फोन आ रहा है, मेरे को स्टेशनरी वाले का फोन आ रहा है, सर आपके 8,000 बकाया है. मतलब ये मान मैं ले आया हूँ क्या? बोला आप लेके गए हो, आप यूज कर रहे हो. इसका मतलब जिन लोगों का माल मैं ले आया हूँ, मैंने क्या क्रिएटर्स एट एंड, मतलब क्या वो माल मैं इस साल यूज कर रहा हूँ क्या? हाँ, अगर वो मैं इस साल यूज कर रहा हूँ तो बेटा उसका पेमेंट भले मैंने पे नहीं करा लेकिन बनता तो है, तो क्या हो जाएंगे प्लस. लेट्स से उनका 8,000 कितने का मिले बेटा? 8,000. तो क्रेडिटर्स एट एंड क्या हो जाएंगे? प्लस. अच्छा, जो पिछले साल के बकाया क्रेडिटर थे, जो पिछले साल के बकाया क्रेडिटर थे जिनको साल पे करा, उनसे माल तो लिया हुआ इस साल, पिछले साल लिया हुआ ना. अगर पिछले साल के बकाया क्रेडिटर सेट बिगनिंग है तो उनसे माल क्या इस साल लिया है पिछले साल लिया? पिछले साल तो खर्चा भी क्या है इस साल का है पिछले साल का? पिछले साल का. तो बेटा उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस. क्रेडिटर्स एट बिगनिंग को जो पिछले साल का मैंने उनका बिल पे करा हुआ, तो खर्चा किसका था? पिछले साल का. पे भले इस साल किया, पे इस साल किया है लेकिन माल कब लिया था? पिछले साल. तो उसको अपन कर देंगे माइनस. मान लो क्रेडिटर्स एट बिगनिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने? 5,000. ठीक है, अब होता है एडवांस एट बिगनिंग. अब अगर मुझे फोन आया उस बंदे का कि सर आपके 8,000 बाकी है, पे करो, मेरा ऐसा था तो 10,000 पकड़, अब फोन मत करना. मतलब मैंने उसको 8,000 इस साल दे दिए और 2,000 नेक्स्ट ईयर भी दिए. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एडवांस. क्या हो गया बेटा? एडवांस. अगर मैंने साल के एंड में उसको एडवांस दिया तो क्या है? एडवांस एट एंड. अगर मैंने उसको पिछले साल के एंड में एडवांस दिए तो क्या? एडवांस एट बिगिनिंग. अगर इस साल के एंड में एडवांस दूंगा अगले साल के लिए, इस साल के एंड में एडवांस दूंगा अगर मैं अगले साल के लिए, तो इस साल का खर्चा है कि अगले साल का? अगले साल का, क्योंकि मैंने अगले साल के लिए दिया ना बेटा. और अब पिछले साल कुछ एडवांस दिए थे, पिछले साल कुछ एडवांस दिए थे इस साल के लिए, तो खर्चा किसका है? पिछले साल का या इस साल का? तो बेटा समझ, एडवांस एंड बिगनिंग मतलब साल के पहले दिया हुआ एडवांस, इसलिए दिया था कि इस साल का आप यूज करोगे. तो एडवांस एंड बिगनिंग क्या होगा? प्लस होगा. चल मान ले एडवांस एंड बिगनिंग तुम्हारे पास 3,000 और फिर तुम्हारे पास क्या है? एडवांस